బీహార్లో కూరగాయల రైతులు ఆందోళన బాటపట్టారు. పోలీసులు తమను వేధిస్తున్నారంటూ నలంద జిల్లాలో హైవేపై బైఠాయించారు. రోడ్డుపైనే కూరగాయలు పడేసి నిరసన తెలిపారు. పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. అయితే రైతులను గుర్తించడం కష్టమవుతోందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. బైకులపై వెళ్తోంది రైతుల, ఇతర వ్యక్తుల అనేది తెలియడం లేదన్నారు నలంద జిల్లా ఎస్పీ. रीजन ये है कि हम लोग का बाजार समिति पहले यहाँ था. डीओ साहब, डीएसपी साहब, डीएम साहब सब निर्देश लेकर के अचानक दीपनगर स्टेडियम में भेज दिया. और जब हम लोग वहाँ माल लेकर के गए तो सुबह में कुछ नहीं किया, आने वक्त सब पे लाठीचार्ज करने लगा. दीपनगर थाना वाला हेमलेट खोज रहा था, जूता खोज रहा था, चालान लाइसेंस खोज रहा था, नहीं देने पे चालान कर रहा था, मार रहा था. और साइकिल वाला को भी वही कंडीशन कर रहा था. आज हम लोग जाम कर दिए, माल ही नहीं बेचेंगे. सब्जी भी फेंके सड़क पे. हाँ, सब्जी भी फेंके देख सकते हैं आप लोग. सरकार बोलता है कि मतलब सब्जी दीजिए, मतलब दुकान खुला रहेगा, हम लोग सब्जी किसान तोड़बे नहीं करेगा, तो जाएगा कैसे? जाता है तो मारता है. मंडी में कितना हो सवेरे जाता है तो प्रशासन मारता है, तो कैसे जाएगा आदमी? मर जाएगा. कल बहुत पैसा लिया किसान से, छीन लिया. क्यों लिया पैसा? पैसा छीन लिया, तो पैसा छीना भी हमारा भी. सुबह सुबह जाएगा तो हेमलेट लगा के जाएगा, हेमलेट खोलता है, जूता खोलता है, तो सुबह सुबह किसान खेत लोग बिना मतलब से भी निकल जाते थे. और पुलिस के लिए ये बता पाना मुश्किल था कि मोटरसाइकिल पर कोई किसान है या कोई अन्य आदमी है. तो चेकिंग तो सरकार का आदेश है तो होगा ही होगा चेकिंग, क्योंकि यदि लॉकडाउन नहीं होगा तो इसका कोई इलाज नहीं है. आप लोग जानते ही हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही है. तो एक बगल में एक जगह और है जो ओपन है और वहाँ पर काफ़ी फैला हुआ जगह है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कर करके इन लोगों को बताया गया है कि हर सब्जी विक्रेता दो दो मीटर के डिस्टेंस पर बैठेगा और बेचेगा. और ये इन लोगों को भी समझाया गया है कि कोई भी दो मीटर के सट करके नहीं बेचेगा, दो मीटर डिस्टेंस कर करके बेचेगा ताकि किसी को किसी तरह का खतरा न हो कोरोना से, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि कोरोना का कोई इलाज है नहीं.